कैबिनेट की बैठक में चार एजेंडों पर मोहर लगी है और आपको बता दें कि ये बैठक इस वक्त चल रही थी और सीधे आपको ले चलते हैं, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आज कुल 32 पदों का सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति दी है, जिसमें एक वाइस चांसलर, दो डीन, रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालय अध्यक्ष और जो अन्य क्लास 3 के जो पोस्ट हैं उनकी आज स्वीकृति 32 पदों पर दी गई है। और लास्ट है कि पटना में शास्त्री नगर में बिल्डिंग डिपार्टमेंट के द्वारा एक योग केंद्र की स्थापना की जा रही है और इस पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 6 महीने के अंदर ये रेडी हो जाएगा। तो वहाँ पर योग कराने के लिए भवन निर्माण विभाग बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर से एक MOU साइन करेगा और यहाँ पर 64 व्यक्तियों के एक साथ योग प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था है और बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर के द्वारा योगा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बाकी जो आधारभूत संरचना पे या उसके मेंटेनेंस पर जो भी बातें होंगी उसका उसके व्यय का निर्वहन भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक योग के प्रशिक्षण के लिए और वो भी उत्कृष्ट श्रेणी का बिहार स्कूल ऑफ योग से। तो अभी बहुत लोग मुंगेर के कतिपय कारणों से नहीं जा पाते हैं तो वो वैसी सुविधा पटना में ही प्राप्त कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। तो ये कुल 4 मामले थे। यदि कोई प्रश्न हो तो मैं उस आपके प्रश्न का जवाब जी क्या जानना चाहते हैं। अब ये देखिए तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत है तो मुझे लगता है कि बिहार में ऑलमोस्ट 75-76% लोग, मैं पेपर पूछ लेता हूँ, पूछ रहे हैं तो लेट मी फाइंड आउट। है ये मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो प्रेस के लोग पूछ रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में हमारे कितना परसेंटेज है पॉपुलेशन का। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इस वक्त सुन रहे थे बैठक में, कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और 4 महत्वपूर्ण एजेंडों पर इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है।